अब नंबर है हमारे छोटू भाई साहब का, नवाब को मैं पहले घुमा गई और अब मिल गया इसका चिंटू। चिंटू आज मिला नहीं था, गोलू के साथ उसने खूब मस्ती की थी, लेकिन अभी जस्ट अभी चिंटू मिला और अब तो भाई घमासान होने वाला है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। आज मौसम की जानकारी इस प्रकार है। चिंटू रुक जा मेरे पास क्यों आ रहा है भाई, कि मौसम साफ़ है और धूप अच्छी आएगी और आज मुझे जाना है थोड़ी सी शॉपिंग के लिए और अपने सेशन के लिए काया में। आज का सुबह से फटाफट काम निपटा के सारे बच्चों का नवाब शहजादा विस्की और हीरा हीरा को खाना भी खिलाया, फिर दवाई खिलाई, फिर उसको लोशन लगाया, अच्छे से पानी वानी पिला के उसका बेड बना दिया, आराम से वो रेस्ट कर रहा है। वैसे तो अभी वो कुछ छेड़छाड़ कर नहीं रहा है क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे रिकवरी होगी ठीक होगा फिर वो उत्पात मचाना शुरू करेगा, लेकिन अभी वो पेन में है तो शांत रहता है। नवाब शहजादे का भी काम, विस्की का भी काम और ब्रेकफास्ट कर लिया और आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए और मैंने ली है काया से अपनी अपॉइंटमेंट। काफ़ी दिन से उनका फ़ोन आ रहा था कि मैम आपकी सीटिंग है, आपकी सीटिंग है। मैंने कहा आ जाऊँगी, मैं अपने आप आ जाऊँगी, तो आज मैंने खुद से अपॉइंटमेंट लेके मैं जा रही हूँ नामिका। मैं और नामिका तो जा ही रहे हैं, साथ में रोहन जा रहे हैं आधे रास्ते तक, क्योंकि रोहन को जाना है गाड़ी लेने। कल रोहन गए भी थे गाड़ी लेने और गाड़ी लेके भी आए, लेकिन रास्ते में क्या हुआ कि टायर टूट गया, टायर निकल गया गाड़ी से, तो वहीं से फिर मैकेनिक को बुलाया, उसको ठीक करा के एज इट इज़ वहीं गैरेज में खड़ी कर दी। आज रोहन फिर लेने जा रहे हैं गाड़ी और फिंगर क्रॉस, कल इतना दिमाग ख़राब हो गया, कल जो व्लॉग बना रही थी मैं बनाते बनाते सब वो फिर मैं भूल गई, कुछ नहीं मैंने आगे कंटिन्यू किया। जब तक बेइज्जती नहीं हो जाएगी अच्छे से गाड़ी की, तब तक गाड़ी चेंज नहीं करनी है। नहीं, वो बोल रही है नहीं लेनी है। हाँ लेनी है, क्रेटा लेनी है। सबके अपने अपने दुख हैं गाइस, हम लोग जा रहे हैं रास्ते में है। तो अनामिका बता रहे हैं कि उनके पेशेंट एंड टाइम पे फ़ोन करके बोल देते हैं कि मैम हम शादी में लड्डू खाने जा रहे हैं, हम क्या निकलवाने नहीं आ सकते। और हम पहुंचने वाले हैं जीआईपी के पास। मैं आज फाइनली पहली बार जा रही हूँ स्टूडियो, बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत सुना है स्टोर के बारे में, ब्रांड बने, लेकिन आज तक मैं कभी विजिट नहीं कर पाई, तो मैं फर्स्ट टाइम देखने जा रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि शॉपिंग तो बहुत जबरदस्त करके लाने वाली हूँ, जितनी एक्साइटेड मैम। उसके बाद में हम लोग जाएंगे डीएलएफ अपने ज़ारा और एचएनएम पे, और मुझे कुछ रोहन के लिए भी लेना है। वैसे लेने तो मैं वही जा रही हूँ, अगर वो ना मिला और मेरे लिए बहुत कुछ मिल गया तो मैं ले लूँगी, मैं छोड़ूंगी नहीं, रोहन के लिए दोबारा आ जाऊँगी। और उसके बाद में सबसे लास्ट में हम जाएंगे काया पे, मेरा जो सिटिंग है फेशियल का। यहाँ पे भाई गरम और भाई धर्म, दोनों भाई गरम धर्म आ गए शॉपिंग। अब हम पता नहीं क्या लेके जाएंगे क्या नहीं, लेकिन हाँ ये है पता, बस आ गए हम। पूरा प्लान बना कर लूट लेंगे। और आज ये लड़की अच्छी भी लग रही है, देखो गाइस आधे कपड़ों में आधी रंगी लड़की कितनी अच्छी लग रही है। आज मैं पता नहीं कितने सालों बाद जीआईपी आई हूँ, जब से डीएलएफ खुला है तब से यहाँ की गलियाँ देखने ही बंद हो गई थी। सच में आज कह रही जी आई पी के बाहर खुल गए, हिमशी आ गई। यार वैसे बात तो है, अभी हमें जाना कहे जूडियो की तरह है। ये देख लो हमारा जूडियो, जूडियो से पहले ही रुक गए हम लोग। चलो थोड़ा सा उधर जाइए ना, अरे मैं गिर जाऊंगी, बहुत ज्यादा इतनी पड़ी है। हमारी हिमशी जी दूसरी साड़ी ट्राई करते हुए और भाई साहब आएगी नहीं क्योंकि पीछे म्यूजिक चल रहा है। नो डाउट अच्छी लग रही है, प्यारी, एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। हाँ अच्छा लग रहा है। इसमें साइज छोटा लेके आऊँ क्या, लूज तो नहीं है। फाइनली हम लोग शॉपिंग करके निकले और मैंने कुछ ज़्यादा लिया नहीं जूडियो से, सिर्फ एक चीज़ ली और अनामिका ने भाई साहब पूरा शोरूम खरीदा है और बिलिंग हुई इतनी कम कि मैं हैरान ही रह गई। बट एक्चुअली में मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है, पैसे उसके अकॉर्डिंग बहुत कम है। अगर आप किसी और भी शोरूम में जाओगे, ज़ारा में जाओगे, एचएनएम में जाओगे या एक्स वाई जेड किसी में जाओगे, तो बहुत बहुत बिल बन जाता है। मैं इम्प्रेस हुई इस चीज़ से, तो अब हम जा रहे हैं डीएलएफ। मेरी फेवरेट जगह है ना जीआईपी से। तो एक तो मेरे को भूख ही लग गई, वैसे
तगड़ा ब्रेकफास्ट करके आई थी, अनामिका को भी करवाया था, इडली सांभर खा के आए हम लोग। उसके बाद भी मेरे को लग गई यार भूख, अब लग जाती मेरे को घर से निकलते भूख लग जाती। मुझे नहीं पता ये मेरे साथ है या आप लोगों के साथ भी है। तो अब हम जहाँ तो हमें लेफ्ट था, लेकिन हमें राइट जाना पड़ रहा है, क्योंकि सामने है बर्गर किंग और हम खाने वाले हैं, ड्राइव थ्रू से लेने वाले हैं दो बर्गर, दो भाई धर्म और गरम बैठ के खाएंगे बर्गर। ये देखो बर्गर किंग पहुंच के क्या ऑर्डर, 17 रुपए चेंज दिए हैं इन लोगों ने हमें, देख रहे हो एक एक रुपए के सिक्के हैं 17। अब क्या करेंगे आप इनका, आपके 17 रुपए तो खराब कर दिए उन्होंने। अभी हेड पटर आने जाएंगे ना उनको लो ये चिल्लर ले लो, 17 रुपए इनके मुंह पे देके मारना, लो खुले नहीं मिलते होंगे ना मेरे से, लो ना शर्म भी नहीं आई। नहीं 17 रुपीज इन्होंने दिए एक एक रुपए, रख देते हैं काम आ जाएंगे। तो अभी हम पहुंच गए DLF और अपनी गाड़ी भी पार्क लगा दी, और हम फोटो खींचना भूल गए कि हमने गाड़ी कहाँ खड़ी की है। वापसी में हमारी स्ट्रगल रहेगी गाड़ी कहाँ खड़ी है। फाइनली हम लोग DLF से भी निकले, कुछ नहीं मिला हमें। हम वॉक पे आए थे, तो यूजुअली जाती हूँ पैदल, काया से DLF आना हो या DLF से काया जाना हो, लेकिन आज हमारे साथ में डॉक्टर मैडम, इनके पैर दुख गए। जो दुनिया को ज्ञान देती है वो खुद अनहेल्दी है, तो हमने ले लिया बैटरी वाला ई रिक्शा टुकटुकी। अब हम जा रहे हैं काया, काया से हम बहुत सुंदर से बन के निकलेंगे और उसके बाद जाएंगे घर। घर से पहले भी हमारे स्टॉप है, आज हमारा पूरा का पूरा दिन सेल्फ डे था, सेल्फ पैम्परिंग डे था, हमने अपने आप को पैम्पर किया। मैंने एक साड़ी भी ली, सुंदर है ना, बहुत सुंदर है, बहुत ही यूनिक है, मतलब हाँ अच्छी है, बहुत लोगों पे दिखने की नहीं। हम दोनों को एकदम से देखते वही पसंद आएगी, यही चाहिए। पहुंच तो गए काया में, लेकिन अभी 10 मिनट की वेटिंग है क्योंकि हम लोग टाइम पे ही पहुंच गए, और जिनसे मैं अपॉइंटमेंट जिनसे मैं सर्विस लेती हूँ सीजन ना, वो अभी बिजी है कस्टमर के साथ में, तो उन्होंने बोला कि 5-10 मिनट वेट करो। ये मैडम देखो कह रही है मैं फ्री बैठूंगी तो मैं भी कुछ करा के जाऊँगी, फ्री नहीं बैठूंगी मैं, फ्री टाइम करना बड़ा मुश्किल है। हाँ ये तो है। फाइनली काया का काम भी डन, क्लीन अप हो गया, और अब चलते हैं घर की तरफ। अनामिका पिछले एक से डेढ़ घंटा हो गया तब से वेट कर रही है, मेरा पक गई होगी आज तो। बाय बाय गाइज, गुड नाइट। बहुत आसट, बहुत लेट हो गया, टाइम भी बहुत लग गया। तो फाइनली अभी मैं पहुंची हूँ घर, और शाम ही हो गई, मतलब अंधेरा हो गया। अब जाके मिलती हूँ बच्चों से, लेकिन काम बहुत सारे निपटाए आज मैंने। फाइनली गाइज मैं पहुंची घर, और घर आके मैंने जैसे ही रोहन को बोला कि मैं काया गई थी और शॉपिंग गई थी, मरीज ने बोला, तो रोहन ने बोला कि क्लिनिक बंद था क्या? मैंने कहा हाँ, वो भी एक तरह से क्लिनिक ही है, क्योंकि वहाँ पे वो सब होता है ना, क्या बोलते हैं, स्किन का सारा काम होता है, लेज़र का सारा काम होता है, बोटॉक्स फिलर दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। तो उसमें मैं एक तो छोटा सा काम है क्लिनजिंग का, वो करवाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे भी बोटॉक्स की ज़रूरत है, मुझे फिलर्स की ज़रूरत है, और अगर होगी भी तो मैं सब पे पैसा वेस्ट नहीं करूँगी। कौन ही पैसा वेस्ट करेगा भाई, कौन ही लेगा इंजेक्शन स्किन के अंदर। तो मैं कुछ वही घर आके थोड़ी सी बकवास करके रोहन के साथ, और उसके बाद में मैंने खा लिया खाना। अब मैं खिलाती हूँ सबसे पहले बच्चों को खाना, और उसके बाद में मैं जाती हूँ सब्जी मंडी, थोड़ी सी सब्जी लेके आती हूँ, क्योंकि आज है मंडे, आज लग जाता है क्या बोलते हैं सब्जियों का भंडार। तो सब्जी लाके उसके बाद में टाइम से फीडिंग करके रेस्ट करती हूँ। आज पूरा दिन मेरा बाहर ही निकल गया, और थकावट ही बहुत हो गई चल चल के, लेकिन ये कि मैंने आज काम बहुत सारे निपटाए आज, मतलब मेरे समझ लो ये कई कई महीने पुराने काम थे जो आज मैंने कंप्लीट किए। मैं जब भी काया से आती हूँ तो रोहन हमेशा मुझे यही बोलते हैं कि काया बंद था गया, क्योंकि जैसे गए थे वैसे ही आए। मैंने कहा था मेकअप कराने नहीं जाती हूँ भाई, मेरा मेकअप नहीं है कोई आया है, मैं मेकअप कराने नहीं गई हूँ, मैं क्लिनजिंग कराने गई हूँ, जो कि मैं इतना डस्ट में इतना पोल्यूशन में भी। मैं आई हूँ मार्केट रोहन के लिए दवाई लेने, क्योंकि रोहन की तबीयत हो रही है ज़्यादा ख़राब, और बच्चे के लिए मैंने लोशन भी मंगा लिया, लेकिन वो कल तक आएगा। अभी दवाई लेकर निकली हूँ, और रोहन की और अपनी सेम ही ली है, क्योंकि मेरे को भी सेम ही प्रॉब्लम हो रही है और रोहन को भी सेम प्रॉब्लम हो रही है। ये देखो हमारे हीरे भाई साहब के हाल चाल, खाना खाते हुए पूछ देखो कैसे हिला रहा है। और ये है इधर इसका बेड कोने में, कूलर से ढक के अच्छे से, ताकि ठंड ना लगे। तो साथियों आप लोगों को मैं हीरा का अपडेट दे दूं, हीरा ने खाना भी खा लिया,
दवाई भी खा ली, लोशन भी लगवा लिया, पानी भी पी लिया और अब है टाइम हीरा की तरफ से गुड नाइट और शुभ रात्रि का। हमने हीरा का ये सेटअप लगा रखा है, इधर ये कूलर, इधर हम आगे ये अड़ा देते हैं ताकि ये बाहर ना निकले और ये आराम से रात भर मजे से निवास में सोता है। देखो अभी बैठना चाह रहा है लेकिन इसे क्या फ्लैश लग रही है, तो इसे लग रहा है कि दीदी यहाँ पे खड़ी है। तो ये हमने ये गाड़ी का जो डोरमेट और उसके ऊपर ये कंबल है गर्म वाला अच्छे से बिछा के अच्छे से निवास कर रखी है इसके लिए। और यहाँ ऊपर की साइड हम इसकी छत बना देते हैं इस वाले डोरमेट से। तो बच्चा पार्टी बैठी है इधर और हम लोग निकल रहे हैं फीडिंग के लिए। कट्टा रख लिया गया है। तो भाई आज की फीडिंग भी डन हो गई और आज का दिन हम यही ख़त्म करते हैं क्योंकि एक तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई, थकावट हो गई और बहुत हैक्टिक हो गया आज का डे। तो कल मिलते हैं आप लोगों से नए दिन के साथ में, नए व्लॉग के साथ में। आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट।